कई स्वागत है आपका अपने चैनल पैंथियाले में। आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडोनेशिया बास्केटबॉल के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। आज जो मैच खेला जाएगा यहाँ पे पेटलिटा जाए जकाता वर्सेस आपको यहाँ पे हंटुंग जकाता के साथ यह मैच होगा। यह मैच जो होगा 5:30 PM में होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो वाला है, इसलिए गाइस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, फुल वीडियो देखिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोनों टीम की स्टैंडिंग की। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो जो पेटलिटा जाया की टीम है 6 नंबर पर स्टैंडिंग है। 5 मैच में 4 मैच जीत के आ रही है, 1 मैच इनका लॉस रहा। सेकेंड टीम की हम बात करते हैं यहाँ पर हंटुंग की, जो 5 मैच में ये 1 मैच जीती हुई है, 4 मैच इनका लॉस रहा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पेटलिटा जाया की टीम बेहतरीन परफॉर्म करके आ रही है। अब गाइस बात करते हैं दोनों टीम की जो लास्ट मैच की बॉक्स स्कोर थी उसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बट गाइस वीडियोज में आगे बढ़ने से पहले फाइनल एसएल टीम के लिए गाइस आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से या कमेंट सेक्शन में पिन किया मिलेगा, जहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन करके प्ले कर सकते हो और अपना लॉस रिकवर कर सकते हो, क्योंकि गाइस यहाँ पर आपको फाइनल एसएल टीम प्रोवाइड करते जाएंगे, इसलिए मिस मत कीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। अब गाइस बात कर लेते हैं दोनों टीम की जो लास्ट मैच की बॉक्स स्कोर थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हंतुआ की टीम है यहाँ पे बेहतरीन परफॉर्म करके आ रही है। लास्ट मैच वैसे ये हार गई थी, वन साइडेड विन यहाँ पे किया था। जो संता मुंडा की टीम है यहाँ पे, सरिता मुंडा की टीम वन साइडेड विन करके आ रही है। बट गाइस यहाँ पे हंटुआ की टीम जो है इनके तरफ से जो परफॉर्म करने आए थे लास्ट मैच यहाँ पे, गाइस आपको जो स्टार्ट किए थे वो विजुअलो जिन्होंने 36 मिनट प्ले किया था, 15.90.6 असिस्ट यहाँ पे थे। एस नैनो की बात करें जिन्होंने 23 मिनट्स प्ले किया था, 12 पॉइंटर थे। और गाइस यहाँ पे हम बात करते हैं गुणवान की जिन्होंने 21 मिनट्स प्ले करके आ रहे हैं, 9 पॉइंटर थे। पर मटवा की बात करते गाइस ये आपको 26 मिनट प्ले किए थे, 6 पॉइंटर 5 डाउन 1 असिस्ट थे। और ब्राडीटा जो है गाइस ये 17 मिनट्स प्ले करके आ रही है, 5 पॉइंटर थे। और जयदीव वंगा की बात करें 16 मिनट प्ले किया था, 2.1 इनके रिबाउंड थे। सुट्टू मगावन की बात करें 30 मिनट्स प्ले किया था, 2.2 रिबाउंड थे। और यहाँ पर सुंकरको की बात करें जिन्होंने 20 मिनट्स प्ले किए थे, 2.5 रिबाउंड थे। और गाइस यहाँ पे अस्यूरा की बात करें जिन्होंने 6 मिनट प्ले किया था, 3.1 इनके रिबाउंड थे। सेकंड टीम की बात कर लेते हैं यहाँ पे गाइस पेटलिटा जाए की टीम यहाँ पे वन साइडेड विन करके आ रही है, परफॉर्म करने आते गाइस। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं योडोले के जिन्होंने 22 मिनट्स प्ले किया था, 21.41 2 असिस्ट इनके थे, अच्छा खासा परफॉर्म करके आ रही है। और गाइस बात करते हैं यहाँ पे एमनूर की जिन्होंने 29 मिनट्स प्ले किया था, 17.21 और 3 इनके असिस्ट थे। गाइस यहाँ पे हम बात करते हैं डी सॉटन की जिन्होंने 25 मिनट्स प्ले किया था, 12.12 इनके रिबाउंड थे, 3 इनके असिस्ट थे। गाइस यहाँ पे एच हंगा की बात करते हैं, एच हंगा ने 20 मिनट्स प्ले करके आ रहे हैं, 9.3 रिबाउंड 3 इनके असिस्ट से। दैसाका की बात करें जिन्होंने 32 मिनट्स प्ले किया था, कोई खास परफॉर्म इनका नहीं रहा था, डिफेंसिंग प्ले करते हुए नजर आए थे, 8.2 रिबाउंड 7 असिस्ट इनके थे। सपुत्रा की बात करें गाइस जिन्होंने 16 मिनट प्ले किया था, 6.5 इनके रिबाउंड थे। और हडियान की बात करें गाइस जिन्होंने 17 मिनट्स प्ले किया था, 3.5 रिबाउंड 1 इनके असिस्ट थे। और गाइस एमिल लेस्टर की बात करें जिन्होंने 10 मिनट्स प्ले किया था, 2.1 रिबाउंड 1 इनके असिस्ट थे। ए यहाँ पे रचमैन की बात करें जिन्होंने 11 मिनट्स प्ले किया था, 2.2 रिबाउंड 1 इनके असिस्ट। और गाइस यहाँ पे हम बात करते हैं विक कौशी के जिन्होंने 12 मिनट्स प्ले किया था, 1 इनके पॉइंटर थे, 6 इनके रिबाउंड थे। अब गाइस बात कर लेते हैं आज के मैच में जिस प्लेयर्स को हम लोग एसएल और जेल्स में पिक करने वाले उसके रिगार्डिंग बात करते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पे पॉइंट गार्ड सेक्शन से, आप यहाँ पे देख सकते हो जो आपको प्रोटोवा जो आपको स्टार्ट करेंगे अपनी टीम में ट्राई कर लेना है एज ए कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ट्राई करने के लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। और डी प्रोमोटोवा की बात करते हैं ये गाइस आपको डी प्रोमोटा जो ये भी स्टार्ट करेंगे बेहतरीन ऑप्शन होने वाले हैं अपनी टीम में ट्राई करके जा सकते हो। यहाँ पे हम बात करते हैं पुरवंटो की, पुरवंटो आपको बेंच से प्ले गए, कोई खास इनका परफॉर्म नहीं रहा था लास्ट मैच। वैसे गाइस आप यहाँ पे चाहो तो शुरना को ले सकते हो जो आपको क्रेडिट मैनेज के लिए ट्राई कर सकते हो। और शूटिंग गार्ड से गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पे वाई एस लेंडो को ले सकते हो जो आपको स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पे एस नैनो रहने वाले हैं जो आपको ये भी स्टार्ट करेंगे लास्ट मैच, इनका कोई खास नहीं रहा था। बट गाइस आप अपनी टीम में जाओ तो ट्राई करके जा सकते हो। एम रेनी जो आपको बेंच से प्ले करते हुए नजर आएंगे, अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। और एफ आमिर की बात करते हैं बेंच से प्ले करेंगे। पेन और यहाँ देशमेट की बात करें देशमेट भी आपको बेंच से प्ले करेंगे। अब गाइस बात करते हैं स्मॉल फॉर्ड से, तो स्मॉल फॉर्ड से आपको यहाँ पे टीमोटी रहेंगे, ये आपको स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे, टीमोटी को ट्राई कर सकते हो। गाइस वाई हंगा की बात करते हैं ये लास्ट मैच स्टार्ट किए थे, अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। गुनावन की बात करते हैं गुनावन भी आपको लास्ट मैच ये भी अच्छे खासे परफॉर्म कर रहे थे, बट गाइस इनके 3 पॉइंटर कनेक्ट नहीं हो रहे थे, अच्छे ये भी है आपको क्रेडिट मैनेज के लिए ट्राई कर सकते हो। अतुल रेशन की बात करें गाइस इन्होंने 6 क्रेडिट में अवेलेबल है, बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं बेंच से प्ले करते हैं। गाइस यहाँ पे हम बात करते हैं विकास सोनो की, विकास सोनो आपको बेंच से प्ले करेंगे, कोई खास इनका परफॉर्म नहीं रहा। पावर फोर्ड से गाइस बात करते हैं यहाँ पे विंचेलो की जो आपको स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे, अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ट्राई कर सकते हो। डेनिस लेस्टर की बात करते हैं ये आपको स्टार्ट करेंगे, बेहतरीन ऑप्शन होने वाले अपनी टीम में ट्राई कर लेना। जो रेनियन सुपुट्रा की बात करें गाइस ये आपको 7.5 क्रेडिट में अवेलेबल है, अपनी टीम में ट्राई करके जा सकते हो। और सुनेरे को जो आपको लास्ट मैच प्ले किए हुए करते हुए नजर आए थे। उनहास की बात करें गाइस ये भी आपको बेंच से प्ले करेंगे। अब गाइस बात करते हैं सेंटर से, तो सेंटर से आपको ये मोलुआ रहेंगे जो आपको स्टार्ट करेंगे, अगर आज के मैच में लास्ट मैच वैसे प्ले नहीं किए थे, आज के मैच में गाइस अगर ये प्ले करते तो अपनी टीम में मस्ट पिक करना, ये आपके कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी
की भी अच्छी चॉइस बन सकते हैं। और गाइस बात करते हैं लियोनार्डस की, जो आपको ये स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे, बेस्ट ऑप्शन होने वाले अपनी टीम में, ट्राई कर लेना। टेस्ट का सेरा की बात करें गाइस, आपको ये बेंच से प्ले करेंगे। और यहाँ पे रिवंडिस का बात करें, ये गाइस आपको बेंच से प्ले करते हुए नजर आएंगे। ए रंडन रहने वाले जो आपको ग्रेट मैनेज के लिए ट्राई कर सकते हो, सूर्या आपको बेंच से प्ले करते हुए नजर आएंगे। अब गाइस बात कर लेते हैं सेटिंग प्रीव्यू की, जो आज के मैच में हमारी रहने वाली उसकी रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। बट गाइस उससे पहले आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, ये लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में पिन किया है, जहाँ से आप ज्वाइन करके प्ले कर सकते हो, अपना लॉस रिकवर कर सकते हो। और गाइस आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगा। ये लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन से कमेंट सकते हैं, पिन किया मिलेगा, जहाँ से आप ज्वाइन करके प्ले कर सकते हो। और गाइस आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कर लेना। अब सेट टीम की हम बात कर लेते हैं गाइस, जो आज के मैच में जो हमारी सेट टीम प्रीव्यू रहने वाली है। गाइस सेट टीम प्रीव्यू की बात करते हैं, तो सेट टीम आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने ए प्रेस्टोवा को अपनी टीम में ट्राई किया, जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाले हैं। डी यहाँ पोटम्बा रहने वाले, जो आपको आज के मैच में स्टार्ट करेंगे, बेहतरीन ऑप्शन होने वाले अपनी टीम में ट्राई कर लेना। एस नैनो रहने वाले, एस नैनो को अपनी टीम में ट्राई करके जा सकते हो, जो आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन रहने वाले हैं। और गाइस यहाँ पे एम एरेगी रहेंगे, जो एम एरेगी आपको बेंच से प्ले करते हुए नजर आएंगे। और वाई हैंगा की बात करें गाइस, इसमें फर्स्ट से ठीक ठाक परफॉर्म करते अपनी टीम में ट्राई करके जा सकते हो। और जूलियन की बात करते हैं, जूलियन सपुत्रा गाइस ये आपको स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे, अपनी टीम में ट्राई करके जा सकते हो। एस कशेरा जो ये आपको बेंच से प्ले करेंगे। और गाइस यहाँ पे लियोनार्डस को अपनी टीम में ले सकते हो, जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाले हैं। वैसे गाइस ये हमारी सेट टीम है, सेट करके रखना। और फाइनल टीम के लिए गाइस हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जहाँ से आप ज्वाइन करके प्ले कर सकते हो। हमारी टीम से बिल्कुल फ्री टीम होती है, या आप टेलीग्राम में जाते विजिट करते हो, सर्च कर लेना @11ABCU और गाइस ज्वाइन कर लेना हमारा टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर आपको फाइनल एसएल टीम आने वाली है। और गाइस आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज कीप योर सपोर्ट विद पैंथर 11।